गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 6 to 8 क्लास की वर्कशीट नंबर 61 जो कि है 14 सितंबर की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखेगा, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंसी गिवन है हमें, 100 की गिवन है, 20 की गिवन है, 200 की गिवन है और नीचे 50, 10, 500। ठीक है। तो इंडिया इज़ एन एंशियंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। जो इंडिया है वो पुरानी कंट्री है ऑफ डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं। वी आर ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल हेरिटेज। वी आर solely responsible for preserving the same so that our future generation realize the importance of pride and protection। जो हमारी हेरिटेज है उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, किस लिए? फ्यूचर जनरेशन जो हमारी होगी उसके लिए। और जो हेरिटेज है वो हमारा गिफ्ट है, किससे? ओल्डर जनरेशन से। ठीक है। टू शो योर लव फॉर इंडियन हेरिटेज ऑब्जर्व द इंडियन करेंसी नोट्स गिवन एंड एक्सप्लेन। मतलब आपको प्यार दिखाने के लिए अपने इंडियन हेरिटेज के लिए तो आपको क्या करना है, जो करेंसी गिवन है, जो ये नोट्स गिवन है, इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज़ द नेम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑन एवरी नोट एंड इट इज़ इन विच स्टेट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। आपको क्या करना है कि जो ये नोट्स गिवन है, 6 नोट्स गिवन है ना, 3 ऊपर और 3 नीचे, ये रहे 3 नीचे, इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर है और ये कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं और इनके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं 10 रुपीज़ नोट के ऊपर। तो इट हैज़ द मोटिव ऑफ कोणार्क सन टेम्पल इन ओडिशा। तो जो रुपीज़ 10 नोट है उसके ऊपर कोणार्क सन टेम्पल का मोटिव है जो कि ओडिशा में है। सेकेंड है 20 रुपीज़ नोट। इट हैज़ द मोटिव ऑफ एलोरा केव्स ऑन द बैंक ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। जो 20 रुपीज़ का नोट है उसके ऊपर क्या है, एलोरा केव्स है जो कि एक ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। थर्ड है हमारा 50 रुपीज़ नोट। इट हैज़ अ मोटिव ऑफ हम्पी। ठीक है। ये कहाँ पर है? निम्बापुरा कर्नाटका में, डिपिक्टिंग द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। 100 रुपीज़ नोट के ऊपर क्या है, रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेपवेल इन प्रेजेंट डे पाटन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर। कहाँ पर है ये? गुजरात में। 200 रुपीज़ नोट पर क्या है, सांची स्तूपा डिपिक्टिंग आर कंट्रीज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। ये कहाँ पर है? सांची टाउन में जो कि है एमपी, मध्य प्रदेश में। 500 रुपीज़ नोट पर क्या है, ये है रेड फोर्ट दिल्ली। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ नेशनल फ्लैग विद रेड फोर्ट ऑन द नोट। द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड इन 17th सेंचुरी। तो 500 रुपीज़ नोट पर क्या आ जाएगा, रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, शेयर योर एक्सपीरियंस। आप किसी भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पे गए हो, आपको क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो मैंने यहाँ पर एलोरा केव्स का लिखा है 2018 में। तो आई विजिटेड एलोरा केव्स इन 2018। एट एंट्री इटसेल्फ यू एंटर केव नंबर 16 विच इज़ द बेस्ट अमंग 32 केव्स एलोरा हैज़। दिस केव इज़ एब्सोल्यूट मार्वल ऑफ क्राफ्टमैनशिप कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक। Caves 1 to 15 are dedicated to Gautam Buddha, where you see beautiful statues of Lord Buddha. Caves 17 to 32 are dedicated to Hindu gods. The story goes that it took almost 200 years to complete these caves. तो next third question करते हैं। Have you visited the National Museum in New Delhi? Which of the historical pieces देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट? आप कभी जो नेशनल म्यूज़ियम है दिल्ली में उसमें गए हो और उसके आपको जो हिस्टोरिकल पीसीज हैं उसके अंदर आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा या कौन सा आपको सबसे अट्रैक्टेड लगा? तो मैंने लिखा है येस आई हैव विजिटेड इन विंटर्स इन 2018 द नेशनल म्यूज़ियम इन न्यू दिल्ली ऑल्सो नोन एज द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया। is one of the largest museum in India. The historical pieces that attracted me the most is Harappan gallery. ठीक है, अब फोर्थ करते हैं. Is there some small or big monument of historical importance near your house? Write about it. मतलब आपके घर के आसपास कोई हिस्टोरिकल छोटा या बड़ा कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उसके बारे में आपको लिखना है. तो मैंने यहाँ पर लिखा है येस, गुरुद्वारा बंगला साहिब. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिख गुरुद्वारा और सिख हाउस ऑफ वर्शिप इन दिल्ली, इंडिया, एंड नॉन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द 8th सिख गुरु गुरु हर कृष्ण एज वेल एज होली रिवर इन साइड इट्स कॉम्प्लेक्स नोन एज सरोवर. तो चलिए फिफ्थ करते हैं. डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय योर एंसेस्टर? मतलब आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है पुरानी जो कि आपने प्रिजर्व की हुई है, जो कि आपके जो दादा दादी परदादा हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने यूज़ की हो. तो मैंने इसका आंसर लिखा है येस, देयर आर सम यूटेंसिल्स. बर्तन हैं, ज्वेलरी, लेटर्स एंड पेपर्स विच वर यूज बाय माई एंसेस्टर्स. क्या क्या लिखा है? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, ज्वेलरी एंड लेटर्स एंड पेपर्स. इसकी जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके घर में रखी हुई हो, जो आपके एंसेस्टर्स की और आपने प्रिजर्व करके रख रखी हो. जैसे कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि पेपर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हो आप इसके अंदर. ठीक है, तो चलिए आपकी यहाँ वर्कशीट ख़त्म हुई. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.